साल 2023 में पांच लाख दस हजार से ज्यादा ने ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन ली है यही वजह है कि अब बर्तानिया के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने बैन अवी में सख्ती का फैसला कर लिया है और अब नई वीजा पॉलिसी के मुताबिक न सिर्फ तलबा के लिए बल्कि जो लोग भी इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं उनको सख्त कवानीन का सामना करना पड़ेगा ऐसा ऑस्ट्रेलिया की जानब ऐसी क्यूँ किया गया और बैन अलावी तलबा ऐसी आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है आज की वीडियो में ये सब मामला डिस्कस करेंगे और अगर आप बैन अलगवामी वीजा करने की तको कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है

इतमाद को तलाश करने में मदद करेगी क्योंकि गुजशत हुकूमत ने इमिग्रेशन सिस्टम तबाह कर दिया था जिसे सही करने के लिए वो असलाहत कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि हुकूमत को जो नई इमिग्रेशन की तादाद है उसको कंट्रोल करना होगा और दो साल के अंदर अंदर तारकिन वतन की तादाद में 50 फीसद तक कमी लाना होगी नई पॉलिसीज़ के तहत बैन अवी तलबा को अंग्रेजी टेस्टों में आला दर्जा बंदी हासिल करनी होगी उसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दूसरी वीजा दरख्वास्त पर मजीद जाँच पड़ताल की जाएगी यानी एक के बाद दूसरी जो एप्लीकेशन है वो नहीं दी जा सकेगी वजीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि उनकी गैर मुल्की हुनरमंदों को ऑस्ट्रेलिया की जानब ज्यादा से ज्यादा रागब करने की ये कोशिश है जिन लोगों की मुल्क को जरूरत है माहरीन ने बताया कि तारकिन वतन के लिए वीजा के हसूल में तब्दीली इसलिए की जा रही है ताकि हनरमंद चंद अफराद को तलाश किया जा सके उनकी मुस्तकिल रहाइश के इम्कान को बेहतर बनाया जा सके ये फैसला बेसिकली 2022 और 23 के जो स्टैट्स हैं उनको देख के किया गया जिसके तहत इमिग्रेशन के रिकॉर्ड पाँच लाख दस हज़ार स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में कामयाबी हासिल की और ये एक पेशन गोई थी कि 2025- हज़ार तक ये तादाद एक चौथाई मिलियन तक बढ़ सकती है रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 तक पांच लाख दस हजार अपराध ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तहम अब हुकूमत ने जून 2025 तक सालाना इन टेक ढाई लाख तक करने का ऐलान किया है सरकारी शुमार ऑस्ट्रेलिया के बताते हैं कि तकरीबन छह लाख पचास हजार गैर मुल्की तलबा हैं जिनमें से बहुत से दूसरे किसी वीजे पर यहाँ पर पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया में नकल मकानी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है नए हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शदीद मसायल पैदा हो रहे हैं लेकिन मुल्क को नहीं मिल रहे है और उसकी कमी का मुसलसल सामना है इसीलिए ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने मनसूबाबंदी की है बेवाई तलबा और कम हनरमंदकनों के लिए वीजा के कवानीन को सख्त करने की क्योंकि वो मुल्क को रिकॉर्ड बुलंदी की नकल मकानी की सतह की वजह से रहायश और बुनियादी ढांचे के मसाइल का सामना जो है वो मजीद फेस नहीं कर सकते इन तब्दीलियों के बावजूद मुल्क हुनरमंद हनरमंद को रागब करने की जदोजहद कर रहा है ताकि लेबर मार्केट में जो एक खला है जो एक गैप है उसको पूरा किया जा सके ऑस्ट्रेलवी वजीर दाखिला ने अपने एलाना में कई बार कहा कि नई पॉलिसियाँ ज्यादा से ज्यादा जो हुनरमंद अफराद हैं कारकुन हैं उनको रागब करेंगी जिनकी ऑस्ट्रेलिया को जरूरत है उन लोगों ने के खतरे को कम करने के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि इसमें मदद मिलेगी जो मुल्क में रहते हैं काम करते हैं तालीम हासिल करते हैं उनको बेहतर लाइफ स्टाइल दिया जा सकेगा तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है नई पॉलिसी के बाद उनके हिजब इख्तलाफ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत ऑस्ट्रेलिया को वबाई अमराज से निकालने में मदद के लिए बनाई गई एक हिजरत की पॉलिसी को अभी तक जो है वो दुरुस्त नहीं कर सकी उनको तो एडजस्ट नहीं कर सकी और अभी एक नई पॉलिसी जिसकी वजह से तनकीद में बिजनेस कौनस के लोग भी शामिल हैं और वो कह रहे हैं कि सस्ती का गांव में नाकाफी सरमाकारी और नाकस पॉलिसी के बायस तारकिन के बकरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि बरतानिया ने इससे पहले जो है वो वह स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा पॉलिसीज को सख्त किया अब ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत आसान स्टडी वीजा का एक मुल्क माना जाता था वहां पर भी वीजा पॉलिसी सख्त कर दी गई हैं तो अगर आप बैन अवी स्टूडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको अपने लैंग्वेज टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना होंगे अप्रूव हो सकेगा इमिग्रेशन की तादाद बढ़ने की वजह से अब हुकूमत ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि बैन अक्वी स्टूडेंट्स का इतना बर्डन वो कैसे बर्दाश्त करें उसके साथ ही साथ एक और बड़ा मसला अब वहां पर स्किल्ड बेस्ड जो लोग अप्लाई करेंगे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आस्ट्रेलवी हुकूमत की कोशिश है कि वो बजाय इसके के जो अनस्किल्ड या फिर दूसरी कोई एक्टिविटीज थ्रेटिकल स्टडीज़ हैं उसके बजाय जो स्किल बेस्ड स्टडीज़ हैं उसके वीज़ा शरात को आसान करेंगे और अब आपको यूनिवर्सिटीज़ में ऑस्ट्रेलवी यूनिवर्सिटीज़ में स्किल्ड वर्कर के लिए तादाद ज़्यादा नजर आएगी लेबर मार्केट में तादाद ज़्यादा नज़र आएगी वीज़ा के लिए लेकिन अगर आप थ्योरी बेस्ड स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि अगले एक साल के दौरान ऑस्ट्रेली हुकूमत ने ऐलान किया है कि उन्होंने अपनी इमिग्रेशन की तादाद को पचास तक कम करना है